नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं शालिग्राम जी की कहानी लेकर आई हूँ। कार्तिक मास में शालिग्राम जी की कहानी भी प्रतिदिन सुनी जाने वाली कहानी में से एक होती है। उसके अलावा कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी पर जब हम तुलसी जी का विवाह भगवान के साथ करते हैं तो शालिग्राम स्वरूप के साथ ही भगवान का विवाह किया जाता है। तो इसी के लिए मैं शालिग्राम जी की कहानी लेकर आई हूँ। तो आइए देखें शालिग्राम जी की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी, उसके शालिग्राम जी की सेवा थी। आप सभी जानते होंगे कि सब भगवान के अलग अलग स्वरूप की सेवा करते हैं। कोई शालिग्राम स्वरूप की सेवा करते हैं, तो कोई लड्डू गोपाल स्वरूप की सेवा करते हैं, तो कोई द्वारकाधीश स्वरूप की सेवा करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्वरूप की सेवा थी। तो उसके शालिग्राम स्वरूप की सेवा रहती थी, वो प्रतिदिन नियम से शालिग्राम जी की सेवा करती थी और उनके लाड़ लड़ाती, उनको भोग धराती, इस तरह से करती रहती थी। अब क्या होता है कि कार्तिक का महीना आता है तो गांव के खूब सारे लोग कार्तिक के महीने में गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो पड़ोसन वो बुढ़िया माँ अकेली रहती थी, तो वो सोचती थी मैं भी सारे गाँव वालों के साथ गंगा स्नान करी हूँ, अकेली तो कैसे जाऊँगी। तो वो गंगा स्नान की प्लानिंग करती थी, तैयारी करती थी। अब तैयारी करती तो उसको ध्यान आता है कि मेरे शालिग्राम जी को कौन रखेगा, उनके पीछे से देखभाल कौन करेगा, मैं तो गंगा स्नान को जा रही हूँ। तो ये विचार करके वो अपने पड़ोसन के पास जाती है और पड़ोसन के पास जाके उससे बोलती थी कि मैं तो गंगा स्नान को जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को रख ले एक महीने के लिए, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तू उनकी सेवा कर देना। तो पड़ोसन तैयार हो जाती, खुश हो जाती थी, क्योंकि वो ऐसी कोई सेवा पूजा नहीं करती थी तो उसका भी मन होता था। तो सोचती कि चलो मेरे को भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो वो हाँ भर देती खुशी खुशी। पर थोड़ी देर बाद ही उसके तो चिंता होने लग जाती थी, क्योंकि उसने तो कभी किसी भगवान की सेवा ही नहीं की थी। तो वो सोचती कि मैं कैसे सेवा करूँगी, मेरे को तो सेवा करना आता ही नहीं है, क्या क्या करना पड़ता है भगवान की सेवा में। तो वो बुढ़िया माँ से जाके बोलती थी कि मेरे को तो सेवा करना आती ही नहीं, मैं कैसे सेवा करूँगी। तो बुढ़िया माँ उसको समझा के बोलती थी कि कुछ भी नहीं करना होता सेवा में, तो सवेरे जैसे ही तू उठे ऐसे इनको भी उठा देना, नहाने जाए नदी पे तो आते वक्त नदी पे से एक स्वच्छ जल का लोटा भर लाना, और आते समय बगीचे में से फूल और तुलसी तोड़ लाना, और फिर घर आके भगवान जी को जल से स्नान करा के, फिर कच्चे दूध से स्नान करा के, फिर शुद्ध जल से स्नान करा के, और उनके चंदन लगा के और पुष्प और तुलसी जी चढ़ा देना, फिर जब दूध गर्म करे तो दूध का भोग लगा देना, और दोपहर में रसोई में जो भी बनाए उसका भोग धर देना इनको, और शाम को दिया जला के और रात को सोते समय शालिग्राम जी को भी सुला देना। बस ऐसे ही पूजा करते, ऐसे ही सेवा होती है। तो और ये कह के और उसको बुढ़िया माँ को तो जाना रहता है, तो वो तो शालिग्राम जी संभला के पड़ोसन को और चले जाती गंगा स्नान को। अब दूसरे दिन पड़ोसन भी बहुत उत्साह में रहती है, सवेरे उठती है, उठ बुढ़िया के कहे अनुसार ही शालिग्राम जी को भी आवाज़ लगा देती कि शालिग्राम जी भगवान उठ जाओ सुबह होगी। अब इस तरह से करके और वो तो उसके काम करने लग जाती है। अब वो नदी पे नहाने जाती है तो एक लोटा लेके जाती है कि नहा के आती वहाँ से, तो वो स्वच्छ जल का लोटा भर लाती है और आते समय बगीचे में से फूल और तुलसी भी तोड़ के लेके आ जाती है। घर आके जल्दी जल्दी भगवान को जल से और कच्चे दूध से स्नान करा के, शुद्ध जल से स्नान करा के, उनके चंदन लगा के, पुष्प और तुलसी चढ़ा के, और जब दूध गर्म करती वो तो एक गिलास भर के दूध ला के और भगवान जी के भोग रख देती और कहती कि दूध पी लीजो, और वो तो खाना बनाने लग जाती है। अब वो खाना बना के और फ्री होती तो भगवान के भोग लेके आती, तो देखती कि भगवान ने तो दूध पिया ही नहीं, दूध तो वैसा का वैसे ही पड़ा है। तो सोचती कि हो सकता है थोड़ा लेट पीते हो दूध, भोग के साथ पीते हो, भगवान अकेले दूध नहीं पीते हो, तो भोग भी लगा दूँ। तो भोग की थाली लेके आती है और वो भी रख देती और दूध भी रख देती और कह के चल जाती है कि दूध पी लीजो और भोग जिम लीजो, और वो तो अपना काम करने लग जाती है। अब उसका काम खत्म होता हैगा तो आके देखती है कि भगवान जिमे कि नहीं जिमे, ताकि मैं भी जिम लूँ। तो भगवान से हाथ जोड़ के देखती तो भगवान तो दूध और वो खाना ऐसा कैसे ही रखा रहता है, तो उनके हाथ जोड़ के बोलती है भगवान आप दूध पी लो और जिम भी लो, आप जिम होगा तो मुँह भी जिम लूँगा। थोड़ी देर बाद वापस आती कि ये कह के चल जाती वो तो, और फिर देखती तो ना तो भगवान ने दूध पिया ना ही खाना खाया। तो अब वो चिंता करने लग जाती है, वो सोचती है आज तो पहले ही दिन है, इसकी मालकिन आएगी तो क्या कहेगी मेरे से कि तूने तो मेरे भगवान को दुबला कर दिया। तो भगवान से प्रार्थना करती कि जिम लो आप,
आप जिम होगा तो मैं भी जिम लूँगा, तो इस तरह से प्रार्थना करती गई। पर भगवान तो जिमते ही नहीं, अब वो भी भूखी बैठी रहती है। थोड़ी थोड़ी देर में आके देख जाती कि भगवान जिम ले तो मैं भी जिम लूँ, उनसे मनोहार कर जाती बार बार आती है जब जब कि जिम लो भगवान मैं भी जिम लूँ। अब शाम पड़ जाती है, भगवान शालिग्राम जी सोचते होंगे कि अब तो जाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो जिमेगी ही नहीं, और ऐसे नहीं जिमेगी और ये मर जाएगी तो इसकी हत्या का पाप लगेगा मेरे को। तो भगवान शालिग्राम जी उठते होंगे और बोलते होंगे कि इसको दर्शन देना पड़ेंगे, और वो एक छोटा सा रूप धरते होंगे और मोर मुकुट और पीताम्बर वस्त्र पहन के और जाके पाटे पे बैठ जाते और जाके उससे कहते मैया मैया जिमा दे और दूध भी पिला दे। तो वो दूध पिला देती, जिम लेते भगवान। अब तो रोज ऐसे ही होता हैगा कि वो नहा धो के तैयार होके आती है कि भगवान को तैयार करती नीला धुला के, और भगवान बाल स्वरूप रख के बन के आ जाते हैंगे और पाटे पे बैठ जाते, तो वो दूध पिला देती और खाना खिला देती गी। ऐसे करते करते कई दिन निकल जाते हैंगे। अब भगवान कहते मैया मैं तो बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ, मैं गाय चराई हूँ। तो वो कहती गी कि थोड़े ही दिन तो रहेगा, क्यों जा रहा है गाय चराने के लिए। पर भगवान नहीं मानते हैंगे, तो वो तैयार हो जाते हैंगे। वो तो हाथ में सोने की लाठी और कंधे पे हीरे मोती से जड़ा हुआ बहुत सुंदर सा पीताम्बर डाल के और गाय चराने चल जाते हैं अब रोज दिन में जिम जाम के। और शाम को गोधूली बेला होती तो गाय को वापस लेके आ जाते हैं। और अब तो ऐसे ही रोज होने लगता हैगा कि भगवान दूध पी के जिम के गाय चराने जाते और शाम को वापस आके बैठ जाते हैंगे पाटे पे। अब एक महीना बीत जाता हैगा, उधर वो बुढ़िया माँ भी गंगा स्नान करके वापस अपने घर आती हैगी। स्नान ध्यान से निमट निपटा के और सोचती हैगी कि मेरे शालिग्राम जी को लियो, खूब दिन हो गए उनको देखे हुए भी। तो पड़ोसन के घर जाती और पड़ोसन से कहती ला मारा शालिग्राम जी दे दे। तो पड़ोसन कहती कि शालिग्राम जी तो अभी गाय चराने गए, शाम को आएंगे तब ले जाना। तो बुढ़िया माँ के कुछ समझ नहीं आता हैगा कि शालिग्राम जी कहीं चले गए। तो कहती कि तू तो मेरे शालिग्राम जी दे अभी के अभी। उनके बीच में झगड़ा होने लग जाता हैगा, आसपास के लोग इकट्ठे होने लग जाते। पड़ोसन बोलती कि सबसे कि इस बुढ़िया माँ को समझाओ, जैसे एक महीना निकाला ऐसे शाम तक और निकाल ले, थोड़ी सी सब्र कर ले, शाम को शालिग्राम जी आएंगे तो मैं तो खुद ही दे दूंगी इसको। तो सबके भी समझ नहीं आती कि पड़ोसन क्या बोल रही है, और वो बुढ़िया माँ तो खूब गुस्सा हो जाती। वो तो कहती मैं तो यहीं धरने पे बैठ जाऊँ, जब तक तू मेरे शालिग्राम जी नहीं देवे तब तक मैं तो यहाँ से हिलूँ ही नहीं, मैं तो मेरे शालिग्राम जी लेके ही जाऊँगी, तूने पता नहीं कहाँ छुपा रखे, ला मेरे शालिग्राम जी निकाल। और वो पड़ोसन बार बार सबको बोलती और समझाती कि शाम को शालिग्राम जी गाय चरा के आएंगे तब तुम ले जाना, पर कोई भी उसकी बात नहीं समझ पाते। अब शाम हो जाती इस तरह से करते करते, और भगवान जी गाय चरा के आते हैं गायों को, तो उनकी जगह पे छोड़ के और वो पड़ोसन के घर में आके और मंदिर में विराजमान हो जाते हैंगे। अब जैसे ही पड़ोसन देखती कि शालिग्राम जी आ गए, तो बुढ़िया माँ से कहती कि अब आके ले जाओ तुम्हारे शालिग्राम जी। तो बुढ़िया माँ भी चिढ़ जाती कि ये तो रखे हुए ऐसे कैसे ही, और जब से कह रही दिन भर से कि नहीं है कहाँ गए थे, ये कैसे चल जाते कहीं पे भी, जरूर तूने कहीं छुपा के रखे होंगे, तेरा मन नहीं होगा देने का इसलिए तूने। तो ये सुनते ही पड़ोसन को सब समझ में आ जाता है, तो खुशी के मारे उसकी तो आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वो भगवान के सामने हाथ जोड़ती और कहती कि भगवान जी जैसे आपने मेरे को अपना स्वरूप दिखाया ऐसे इस बुढ़िया माँ को भी दिखा दो, नहीं तो ये मेरे पे अविश्वास करती रहेगी। तो भगवान जी उसकी बात मान के मोर मुकुट पीताम्बर रूप धरते हैंगे, हाथ में सोने की लाठी लेके, और उस बुढ़िया माँ को भी दर्शन देते हैं। अब बुढ़िया माँ तो जैसे ही देखती कि पिता यानी भगवान को उसमें शालिग्राम की मूर्ति में, तो बुढ़िया माँ तो भुचक्की हो जाती है कि काँपने लगती, उसकी तो दोनों आँखों से झरझर आंसू बहने लगते हैंगे। और बुढ़िया माँ भगवान के भी और उसके पड़ोसन के दोई के पैर छूती है बार बार, वो कहती मैं तो इतने दिन से सेवा कर रही हूँ पर मेरी तो कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, और तूने तो एक महीने सेवा की उसमें ही भगवान के दर्शन हो गए। मैंने तो मूर्ति मान के भगवान की सेवा की थी, तूने तो असल मान के भगवान की निर्मल मन से सच्चे हृदय से सेवा की, तो भगवान ने तेरे को दर्शन दे दिए और तेरे पुण्य प्रताप से मेरे को भी दर्शन हो गए। हे भगवान जैसे उन दोनों को दर्शन दिए ऐसे सबको देना, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना, कथा कहने वाले सुनने वाले हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करना। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करो, साथ ही बेल आइकन को हिट करो ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म संस्कृति तीज त्यौहार व्रत कथा रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।